नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुक करते हैं देश की तमाम खबरों की ओर। गैस लाइन से घर में हुआ ब्लास्ट, महिला बच्ची सहित 5 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से महिला की गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। शिवपुरी शहर के फतेहपुर क्षेत्र में थिंक गैस की पाइपलाइन में आग भड़क गई। इसके बाद एक घर में जोरदार ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में घर के भीतर 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। घायलों को उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि धमाका इतना जोरदार था कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियां फेंक कर दूर पड़ी। इसके कुछ राहगीर भी इस हादसे में घायल हुए हैं। मौके पर जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के साथ प्रशासनिक अमला पहुंची। वहीं मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बताया कारण स्पष्ट नहीं, जाँच के बाद आग लगने से कारण पता चलेगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए शिवपुरी से अमर वर्मा की रिपोर्ट। सर जी, जो हादसा हुआ किस कारण से हुआ और कितने लोग घायल हो गए? फतेहपुर रोड में जो है उनके यहाँ अचानक विस्फोट हुआ, जिसमें कि 5 लोग डेथ हुए। और जब वहाँ तत्काल पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच कर उसको हाथ में बिठाया, जो 5 लोग घायल से पूछताछ भी है और पूछताछ में मालूम पड़ाया। 2 चीज़ें हैं, एक तो वहाँ पे एसी फटा हुआ है, यानी या तो एसी फटने से आग लगी है, और एक कोई आशंका जाहिर कर रहे हैं कि वहाँ पे गैस पाइपलाइन गई है, उससे गैस रिसाव होने से आग लगी। दोनों चीज़ों हम लोग जाँच कर रहे हैं, वहाँ पे टीम लगा दी है, तो टेक्निकल टीम लगा के जाँच कर रहे हैं। आग नहीं है, आग बुझा दी गई है, घायल है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया अच्छी तरह से और इलाज चला। इसके अलावा सर कोई कैजुअलिटी तो नहीं है? कोई कैजुअलिटी तो नहीं है सर? कोई नहीं, अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी अभी सुरक्षित है अभी और इसका इलाज चल रहा है। सर जी, आज जो आग लगी है, क्या पूरा मामला है? देखिए, कंफर्म तो कह पाना अभी से दिक्कत है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी हमने देखा, जो टीम भीतर गई थी उन्होंने बताया कि सिर्फ एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगी, क्योंकि भीतर तो सिलेंडर इंटैक्ट है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक ये प्रश्न भी था कि रोड की ठीक ऑपोजिट सामने आकर के जो फ्लेम 2-3 फुट ऊँचा रहा, 1-2 मिनट तक आगे रहा, उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक टेक्निकल टीम हमारी इसको देखेगी, जिसमें CTD भी रहेंगे और ADM साहब के अगुवाई में हम इसको करें, सब पुलिस के भी, और साथ ही साथ जो थिंक गैस वाले हैं या हमारे जो और जो गैस सप्लाई वाले हैं वो भी रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि कोई जियोलॉजिस्ट भी यदि इसका हो, कि चूँकि ये संभावना मीथेन की भी हो सकती है, उसके कारण हो, या अदरवाइज जो थिंक गैस का जो लेंग डाल रहे उससे संभावना होगी, तो लेकिन ये जाँच का विषय। कितने लोग सर इसमें घायल हुए? 5 घायल हुए। कोई कैजुअलिटी सर? नहीं, कैजुअलिटी नहीं है, एक ही सीरीज से।